हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं नवीन कुमार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन कुमार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले कई वीडियो में आपसे रूबरू हुए हैं, विभिन्न टॉपिकों पे, विभिन्न एग्जामिनेशन के पैटर्न पे बात किए हैं। आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, UGC के द्वारा आयोजित प्रथम पेपर के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही आपके JRF में सहायक होता है। सब्जेक्ट पे तो लगभग 80% लोगों का कमांड हो ही जाता है या तैयारी कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में समस्याएं आती हैं लोगों के समक्ष। इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 2018 में, वो बदले हुए पैटर्न पे एग्जामिनेशन हुआ और बच्चों के समक्ष बहुत कठिनाइयां आई। पहली बार ऑनलाइन पेपर लिया गया था और इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे परीक्षार्थी का फीडबैक आया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पेपर आ रहे थे वो पूरा ओपन नहीं हो रहा था। तो इस तरह के समस्याओं से तो आप नहीं निपट सकते, लेकिन इससे बार बार अपने आप को प्रैक्टिस में लाके कम किया जा सकता है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लें, कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयास करें, अभ्यस्त हो जाए आप, ताकि आपको एग्जामिनेशन में एट ए टाइम कंप्यूटर ऑपरेट करने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको स्क्रीन पे जो चीजें ओपन हो रही है उसको स्लाइड करने आना चाहिए। ये समस्याएं लगभग स्टूडेंट से सुनने को मिला कि हमने पेपर पूरा नहीं कर पाया। हमारे कई स्टूडेंट ने कहा कि हमने 40% ही कर पाया, 42% कर पाया। तो ये समस्याएं नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये हो कि 1 घंटे में जो 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में प्रोवाइड कराया गया है उसे अच्छे तरीके से बना ले, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि आपने 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनाया ही नहीं, वो आपके सामने आया ही नहीं, तो फिर आप सफल कैसे होंगे, वो आपका स्कोर कैसे होगा? तो आप यहाँ पे पीछे रह जाते हैं अन्य अभ्यर्थियों से जो प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे या फिर घर में बैठ के खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके लिए पेपर आसान होता जाएगा। तो आज हम बेसिकली प्रथम पेपर के सिलेबस के ऊपर आपके समक्ष कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे आप तैयारी करेंगे, तैयारी का तरीका क्या होगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या इस बार परिवर्तन आया है। तो इन परिवर्तनों को हमें एक बार आपके समक्ष डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए देखिए, UGC नेट JRF हम फोकस कर रहे हैं जून 2019 के एग्जामिनेशन पे, जो इस बार 20 जून से 28 जून के बीच में 6 अलग अलग दिवस में होना है। आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी दिन हो सकता है, वो एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके ऊपर शो हो जाएगा। तो आपका आपके पास अब कुल मिला के हम देखें तो 3 महीने का समय है, और ये 3 महीना का समय सफिशियंट होता है तैयारी के लिए। अगर आप एक अच्छा रणनीति अपनाएं, एक अच्छा स्ट्रेटजी हो आपके पास, एक अच्छे तरीके से अगर आप अपने वो बनाए गए स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे, तो ये 3 महीना संतुलित तैयारी के लिए बेहतर है। और आप सच मानिए, 3 महीने में आप तैयारी करके JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा भी एक्सपीरियंस है कि हमने भी जब प्रिपरेशन किया था अपने लिए, तो लगभग 2 महीने के आसपास ही तैयारी किया था, और सफलता मिलेगी। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अच्छा तैयारी कीजिए, एक दिनचर्या बनाइए, उस दिनचर्या को भी फॉलो करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार हम 2 दिन तो 10 घंटे पढ़ लेते हैं, 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे लोग कहते हैं कि पढ़ लेते हैं, लेकिन अगले दिन क्या करते हैं, जम के सो लेते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं। तो हमारा दिनचर्या फिक्स्ड हो कि हम प्रतिदिन 8 से 10 घंटे के आसपास पढ़ाई करें, और एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई आप करें। तो देखिए, पेपर फर्स्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार उसने सब्जेक्ट को एक नए हेडिंग के साथ प्रेजेंट किया है आपके समक्ष। जो इंट्रोडक्शन दिया गया सब्जेक्ट का, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, मींस इसमें शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता को सामान्य पेपर के अंतर्गत समाहित किया गया है। इस पेपर में आप देखेंगे तो पूर्व की बात ही 10 इकाई या 10 यूनिट्स है, लेकिन उन 10 यूनिट्स में कुछ संशोधन किया गया है। उस संशोधन को हम जब यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे तो बताऊंगा, देखेंगे कि कहां कहां परिवर्तन किया गया है।
तो इसमें जो प्रथम यूनिट बनाया गया है, प्रथम यूनिट जो इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक का है, भूमिका, उसको ही नाम दिया गया टीचिंग एप्टीट्यूड एंड, इसमें आपने देखा था ना टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो पहला टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें हमें शिक्षण अक्षमता के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अविक्षमता में जो पहला पॉइंट बनाया गया है वो किससे रिलेटेड है? टीचिंग से। डियर, टीचिंग से जब यहाँ पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका एम क्या था? कोशिश किया गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट टीचिंग के सभी सिनारियों को जाने, लाइक एम ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, फिर आप शिक्षण के प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग, फिर आप देखेंगे नीड और लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण की आवश्यकता क्या है, किसके लिए हम बेसिकली टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। जैसे कुल मिला के हम कहें तो जितने भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी जो सामान्य आधारभूत संकल्पनाएं हैं या उसके जो चरित्र है उसको हमें जानना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए इस तरह के चैप्टर को आप तैयार करने के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बीएड और एमएड में कुछ टॉपिक्स होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और वो आपको डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बीएड वाला ही होता है। चूंकि मैं बीएड किया हूं तो मुझे पता है, जब मैं पेपर देखता हूं प्रीवियस ईयर का तो लगता है कि वहीं से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। जैसे पियाजे से क्वेश्चन आप देखेंगे, जीन पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक रखा गया है उसको कैसे इनहेंस करें। तो हमने एक तरीका बताया। इसमें जो दूसरा पॉइंट बनाया गया है उसमें अध्येता की आवश्यकता, या फिर आप उसको कह सकते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो स्टूडेंट हैं उसके हमें सभी तरह के क्षमता को जानने के लिए हमें कोशिश करना है, पढ़ना है। जैसे आपके इस टॉपिक में कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है, मैं इसको बताता हूं। जैसे इसमें बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्ट लर्नर, यानी जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं जिसके लिए आप फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, तो उनके सभी तरह के क्षमताओं को आप जानें, उनके आवश्यकताओं को जानें, तभी आप अपने शिक्षण अभिक्षमता को यूज कर पाएंगे एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी। फ्यूचर में आप जब आप प्राध्यापक बनेंगे, व्याख्याता बनेंगे, तो इसीलिए इसमें सिलेबस को मेंशन किया गया है कि आप एडोलेसेंस को, किशोर को जाने, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ शिक्षक बनने वाले हैं। इसमें तीसरा पॉइंट जो मेंशन किया गया है वो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू एवरी सिनारियो, लाइक कि शिक्षण को कौन कौन से ऐसे मूलभूत तत्व है, कारक है जो प्रभावित करता है। तो आप एज अ टीचर आप खुद ही सोचेंगे कि क्या क्या ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं एक छात्र के लिए, एक लर्नर्स के लिए, तो उसे हमें सॉर्ट आउट करने के लिए पढ़ना होगा। जैसे इस टॉपिक को एलोबरेट किया गया है, टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, दैट मीन्स इन टॉपिक को रिलेट किया गया कि कैसे आप एक उन सभी कारकों को समझ पाए जो हमारे शिक्षण अध्यापन पद्धति यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट इफेक्टेड करता है। पॉइंट फोर यानी टॉपिक फोर जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है वह है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां से मतलब है जो
एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस टेक्निक को यूज किया जाता है, इस टॉपिक को इस तरह से आप देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग सिस्टम, यानी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में जो शैक्षणिक और शिक्षण विधियां हैं, यानी अध्ययन अध्यापन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसे कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, आप किन टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ अपने आप को क्लासरूम में प्रेजेंट करेंगे, कैसे अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज सबसे बेसिक पॉइंट यही है कि जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो हमें क्या जानना चाहिए कि एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में किस विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे बेहतर शिक्षण प्रदान किया जा सके। तो हमारा एम क्या है कि जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये सारा टॉपिक डियर आपको बुक में, सपोर्टिव मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, आप उसको मार्केट से परचेज कर लेंगे और अगले क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो दिया जाए। इसमें पांचवा टॉपिक बनाया गया है टीचिंग एड और टीचिंग सपोर्टिव मटेरियल, यानी आप ये कह सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, यानी एक शिक्षक के लिए क्लासरूम में कौन कौन से सहायक सामग्री हो सकता है, यानी जो उसको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट के साथ यूज करे। लाइक आपके सिलेबस में जो यूजीसी ने प्रोवाइड कराया उसमें दो टर्म्स लिखा है, टू टर्म्स है, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, यानी जो पारंपरिक शिक्षण सामग्री है, जो टीचिंग टीचिंग एड है और सपोर्टिव मटेरियल है, वो ट्रेडिशनल कौन कौन से हैं, तो उसमें आप देखेंगे चार्ट है, मैप है, ग्राफ है, ब्लैक बोर्ड है, और भी चीजें हो सकती है। फिर आप देखेंगे उसमें एक दूसरा पॉइंट है मॉडर्न टीचिंग सपोर्टिव मटेरियल, लाइक आप स्मार्ट क्लास का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, इस तरह के सिस्टम का प्रयोग करके अपने शिक्षण को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, यानी आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए किन टीचिंग सपोर्टिव मटेरियल को यूज करेंगे, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो हमें जानना पड़ेगा कौन कौन से टीचिंग सपोर्टिव मटेरियल है और स्पेशली हमें कैटेगराइज करना है कौन सा ट्रेडिशनल है और कौन सा मॉडर्न है, यानी आधुनिक कौन सा है और पारंपरिक कौन सा है। तो ये आपका पांचवा टॉपिक है। इसमें जो अंतिम पॉइंट बनाया गया है यूनिट वन के अंतर्गत, जो छठा यूनिट है, मूल्यांकन प्रणाली मीन्स इवोल्यूशन सिस्टम, जिसमें आप टेस्ट, मेजरमेंट और इवोल्यूशन के बारे में आपको जानना चाहिए कि उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस है, उसकी वैलिडिटी क्या है, मीन्स उसका वैधता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार से आप टीचिंग कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इसके ऊपर फोकस करना है। फिर आप देखेंगे इसमें कुछ स्टैटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मीड, मोड एंड मीडियन, यानी जो स्टैटिक सांख्यिकी का पोर्शन है उसे भी इसमें आपको एक बार देख लेना चाहिए, यानी परीक्षा या मूल्यांकन से संबंधित जितने भी आपके पास अप्रोच हो उसको पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आप एनसीएफ को पढ़ सकते हैं, एनसीएफ में इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड उनके सारे पॉइंट्स। अब हम यूनिट टू के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। दोस्तों, ये हमारा यूनिट टू है जिसमें फोकस किया गया है रिसर्च के ऊपर, रिसर्च एप्टीट्यूड और अनुसंधान अभिक्षमता से मतलब ये है कि हम इसके टाइप्स को जाने, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार, यानी कितने प्रकार के अनुसंधान होते हैं, कैसे कैसे अनुसंधान किया जा सकता है, फिर अनुसंधान की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिसर्च, किस तरह से आप अनुसंधान करेंगे और उस अनुसंधान से रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आप शामिल करेंगे, यानी आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का कंसर्न आप जब
रिसर्च कर रहे होंगे, लाइक पीएचडी कर रहे होंगे या एमफिल करा होगा आपने या एमफिल फ्यूचर में करने वाले होंगे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आप पहले से तैयार करके जाएंगे। इसी वजह से यूजीसी नेट जेआरएफ ने इस टॉपिक को शामिल किया हुआ है कॉमन पेपर में और ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं, उनको लगता है कि 50 क्वेश्चन में से हमें 25-30 क्वेश्चन बनाने हैं या 35 क्वेश्चन बनाने हैं, तो इससे सिर्फ 5 क्वेश्चन आना है तो चलो इसको स्किप कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो नो डाउट आप 3-4 क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं और एक एक क्वेश्चन आपके नेट और जेआरएफ के बीच में डिफरेंस पैदा करता है और वही आप बार बार मेहनत करेंगे और लगेगा कि 2 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया। तो कमी क्या रह जाता है कि हम ओवरऑल सभी टॉपिक के ऊपर स्टडी नहीं करते, हमें लगता है कि चलो एक दो कमजोर पोर्शन है उसे छोड़ देते हैं, जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें रिसर्च एप्टीट्यूड को भी पढ़ना होगा। तो हमने इसके ऊपर बात किया कि अनुसंधान में हमें किन किन चीजों को जानना है। तो बेसिकली सिलेबस में 3 पॉइंट्स इसमें ऐड किया गया है कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ क्या है। दूसरा हमने बताया टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार क्या है। और फिर हमने कहा विशेषता, अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो इस टॉपिक को आप चलिए हम डिटेल करते हैं। इसमें जो दूसरा टॉपिक डाला गया है यूनिट टू में जो फर्स्ट टॉपिक डाला गया है उसके ऊपर हम डिस्कशन किया। इसमें जो टॉपिक 2 है अनुसंधान के सोपान, सोपान से मतलब यहां क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी आप किस प्रकार अनुसंधान करते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उसका लेयर्स क्या होता है, लेवल क्या होता है, आप कैसे कैसे चीजों को अरेंज करते हैं। जैसे आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हमें सबसे पहले एक सिनॉप्सिस बनाने हैं, उसके लिए हमें टॉपिक अरेंज करना है, उस टॉपिक्स में कौन कौन से पोर्शन आएंगे, फिर हमें एक सिनॉप्सिस के बाद हाइपोथेसिस करना होता है, फिर आप देखेंगे उसमें थीसिस बनाने हैं। तो ये एक उसका स्टेप है, उसमें कौन कौन से उसके पोर्शन है उसको पढ़ना होता है और इसे आप प्रॉपर क्लास में पढ़ सकते हैं या फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर फोकस किया जाए। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है अनुसंधान की विधियां, मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान किस किस मेथड से किए जा सकते हैं, रिसर्च के क्या क्या मेथड्स हैं। फिर आप इसमें फोर्थ पोर्शन देखेंगे अनुसंधान में नैतिकता, यहां पे नैतिकता से मतलब क्या है, आपके टॉपिक में दिया हुआ है थीसिस एंड आर्टिकल्स राइटिंग फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रिफ्रेशिंग, मींस आप जब अपने अनुसंधान को कर रहे होते हैं, अनुसंधान कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उसमें किन किन चीजों को देखना चाहिए। स्पेशली हमें अभी बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें उसके टूल्स को जानना है, हमें रिसर्च को लेके बहुत ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ना है, हमें इसके बेसिक्स थीम को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यही आपके काम में है। एग्जामिनेशन में बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसके सरफेस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि सरफेस लेवल हमारे पास एक ग्रिप हो, उस ग्रिप के साथ आप एग्जाम में जा सकते हैं। इसमें अगला टॉपिक है पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं परिसंवाद, ये सारे टर्मिनोलॉजी है, यानी जो शाब्दिक अर्थ है इन सभी शाब्दिक अर्थ का हमें मीनिंग जानना चाहिए, इसके फीचर्स को जानना चाहिए, ये क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका नेचर क्या है। फ्लैट क्वेश्चन आता है, सबसे आसान टॉपिक है। इसमें जो 6 टर्मिनोलॉजी दिया गया है, इन 6 टर्मिनोलॉजी को आप पढ़ लेंगे, 5 मिनट लेंगे इसको पढ़ने में। इसमें अगला टॉपिक है शोध प्रबंध लेखन, शोध प्रबंध लेखन से मतलब है रिसर्च से संबंधित, आप इसमें कैसे इसको मैनेजमेंट करेंगे। अभी हमने डिस्कशन किया था कि इसमें कुछ सिनॉप्सिस लिखते समय हमें कुछ हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, तो इन सभी टॉपिक को इसमें फोकस करना है। फिर इसमें लिखा हुआ है इसकी विशेषता व प्रारूप, मीन्स फॉर्मेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ओवरऑल हम देखें तो यूनिट 2 में अनुसंधान या रिसर्च को फोकस किया गया है कि आप फ्यूचर में रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं और उसके बाद आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनालिटी डेवलप करके आगे बढ़ेंगे।
अब हम आपसे ये डिस्कशन करेंगे कि आप इन दोनों टॉपिक को यानी यूनिट वन और यूनिट टू के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया उसको आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अभी हमने कहा कि इन दोनों टॉपिक को अगर सबसे इजीली ग्रैब करना चाहते हैं तो आप बीएड से संबंधित कोई भी टॉपिक बुक उठा लीजिए, उसमें बहुत इजीली मिल जाएगा। या फिर आप जाएंगे मार्केट में तो बहुत सारे आपको शिक्षण सहायक सामग्री मिल जाएंगे जिसके सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये देखा कि पेपर प्रथम के अंतर्गत, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 10 यूनिट्स हैं और उस 10 इकाई में से जो प्रथम दो इकाई है उसके सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया। दोस्तों आप इसको क्लास मत मानिए, अभी तो हम आपके साथ सिलेबस के ऊपर एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं, एक ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी यूनिट्स पे आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप वीडियो देख के तैयारी कर सके, घर बैठे तैयारी कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिले इसके लिए तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।